अस्सलाम को व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बड़े दिलचस्प टॉपिक लेके मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खुश रहने वाले बंदे की। मैं खुशकिस्मत नहीं कह रहा, खुश रहने वाले बंदे की बात करेंगे। चलें जी, तो बात शुरू करते हैं। ये साहब हैं मैथ्यू रिकार्ड, ये 74 साल का शख्स है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये डॉक्टर भी हैं। तो इन साहब ने 5-6 साल पहले अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर एक किताब लिखी जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई कि इंसान कैसे बेफिक्र रह सकता है, कैसे खुश रह सकता है। तो डॉक्टरों ने जब वो बुक्स पढ़ी साइंसदानों ने, तो उन्होंने साइंटिफिकली इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त है, तो उन्होंने इंसाफ पे जो है वो साइंसी तजर्बात करने शुरू किए। तो ताकि इस चीज़ को साइंटिफिकली साबित किया जा सके कि क्या वाकई कोई बंदा इतना खुश रह सकता है। तो ये साहब जो हैं ये नेपाल में होते हैं, वहाँ पे शैचन टैनरी डार्जिलिंग नाम के खानकार, उम्मीद है मैंने नाम सही लिया हो, तो बख्शु हैं, बुद्ध मत के पैरोकार हैं ये और दलाई लामा के पर्सनल मशीर भी हैं और उनके तर्जमान भी हैं। तो नेपाल में बेसिकली ये इस खानकाह पे होते हैं। तो साइंसदानों ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें साइंटिफिकली ये एक्सपेरिमेंट करने का इजाज़त दें और मौका दें ताकि हम पता कर सकें कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको इतना खुश रखती है और आपको इतना बेफिक्र रखती है। तो 50 से 60 बंदों पे साइंसदानों ने बयक वक्त ये टेस्ट किए जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर MRI का सहारा लिया और इन साहब पे 256 सेंसर लगाए गए इनके दिमाग पे, और साथ में जो लोग दूसरे भी थे 50-60 जो दूसरे रजाकार थे उन पे भी वही सेंसर लगाए गए। और एक मेयार मुकर्रर किया गया कि जो सबसे खुश शख्स हो सकता है कोई, उसको 0.3 की मार्किंग दी गई और जो बंदा ना खुश है उसको -0.3 की रेटिंग में रखा गया। तो इसके हिसाब से उन्होंने इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो 3 घंटे का ये एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने जो है वो देख के ये हैरान रह गए कि ये जो मैथ्यू कार्ड साहब हैं, बुद्ध बख्शु हैं और डॉक्टर भी हैं, इनकी जो रेटिंग आई वो 0.4 आई। मीन के जो सबसे खुश इंसान की साइंसदानों ने रेटिंग रखी गई थी वो 0.3 रखी थी, तो इन साहब की 0.4 आई, मतलब उनकी रेटिंग से भी ज़्यादा ये शख्स खुश साबित हुआ। और ये टेस्ट जो किया गया ये न्यूक्लियर MRI के ज़रिए किया गया। तो उन्होंने फिर पर्सनली इस शख्स से रब्ता किया और उनसे पूछा गया कि आप कैसे, एक इंसान कैसे दुनिया में इतना खुश रह सकता है, तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमें एक मुराकबा करने के लिए बताया गया, आज से कुछ 35-40 साल पहले सिखाया गया करना, और उस मुराकबे में करते क्या हैं कि आप अपने दिमाग के उस हिस्से पे तवज्जो देते हैं जिसमें हमदर्दी के जज्बात उभरते हैं। तो ये उसी का ही सारा मुझे फायदा हासिल हुआ है कि मैं आज हर किस्म के गम और फिक्र से आज़ाद हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप हर किस्म के गमों से ही आज़ाद हो, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी दुख होता है जो दुनिया में कत्लोगारत गरी हो रही है, बम ब्लास्टिंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जंगे लगती हैं, लेकिन मैं इसको अपने ऊपर सवार नहीं करता। अब ये एक तो उन्होंने अपनी खुश होने का ये राज बताया कि ये हम मुराकबा करते हैं। तो साइंसदानों ने पूछा कि आपको उस मुराकबे से हासिल क्या होता है,
तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था मैथ्यू कॉट साहब का। उन्होंने कहा जी कि हमें ये मुराकबा करने से ये चीज़ हासिल होती है कि हमारे अंदर एक हमदर्दी इसार का जज्बा पैदा होता है, हमारे अंदर से जो हसद का मादा है वो ख़त्म होता है और किसी भी किस्म का लालच जो है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा जो मैंने अपनी ज़ात पे जो मैंने इम्पैक्ट देखा कि मैंने ये साहब जो हैं ये मैथ्यू रिकार्ड साहब जो हैं इन्होंने और इनके साथ दो दोस्तों ने मिलके जो किताब लिखी वो अस्पानी जबान में भी आजकल उसका तर्जुमा हो रहा है फ़िलहाल में वो बहुत ज़्यादा बेस्ट सेलर में गई। तो इन्होंने उसकी जितनी आमदन थी उसकी वो सारी की सारी इन्होंने ज़रूरतमंदों के लिए वक्फ कर दी। खुद आपको बताया कि ये खानकाह में रहते हैं नेपाल में। तो मेन जो चीज़ करने के लिए जिसके लिए मैंने ये मतलब आज का व्लॉग बनाया वो बात ये है कि हम देखें एक छोटा सा मोटिव है कि हम अपने अंदर सिर्फ हमदर्दी का अगर जज्बा पैदा कर लें तो हम भी इस दुनिया में खुश रह सकते हैं। उससे होता क्या है, अब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी सारी दौलत क्यों वक्फ कर दी। बड़ा सिंपल सा जवाब दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी दौलत इसलिए वक्फ कर दी क्योंकि मेरे अंदर दौलत का लालच ना आए। कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं जब इंसान दौलत कमाने के चक्कर में पड़ जाता है या इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ जाता है तो फिर खुशी उसकी ज़िंदगी से निकल जाती है। लॉजिकल बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमदर्दी और इसार जो है ये मेन चीज़ बताई उन्होंने कि जब आपके दिमाग में हमदर्दी और इसार का जज्बा जागेगा तो आप फिर किसी से हसद नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं सोचेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को अजियत नहीं देंगे, तो आप दुनिया के खुशकिस्मतरीन इंसान होंगे, खुश रहने वाले लोगों में शुमार होगा आपका। क्योंकि आपके अंदर तो कोई लालच है ही नहीं, आपके अंदर तो कोई कमाने का जज्बा है ही नहीं, कोई इस तरह की वो सुबह शाम परेशानी है ही नहीं कि मैंने ये करना है मैंने वो करना है। कमाल की सोच है देखे कि वो बंदा 35-40 साल से एक ही चीज़ का मुराकबा कर रहा है सिर्फ कि दिमाग के अंदर हमदर्दी के जज्बात को कैसे जगाना है, और वो बंदा दुनिया का खुश तरीन इंसान डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें हमारे लिए भी सबक है आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी में हम भी अपने अंदर से लालच को निकाल फेंकें, डर को निकाल फेंकें, एक दूसरे के खिलाफ गमो गुस्सा नीचा दिखाने का शौक, ये चीज़ें अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारी ज़िंदगी भी मैथ्यू रिकार्ड साहब की तरह खुश किस्मत बन सकती है और हम भी खुश तरीन इंसान बन सकते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ आपको बतानी थी और इसके लिए ब्लॉग बनाया था कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे अंदर भी ये जज्बात पैदा फरमाए, हमारे अंदर भी हमदर्दी के जज्बात पैदा फरमाए। और हम भी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये साहब ने शादी भी नहीं की थी। उन्होंने ये भी एक वजह बताई हुई थी कि शादीशुदा ज़िंदगी में, उन्होंने तो किसी और अल्फाज में कहा था, वो अल्फाज मैं इस व्लॉग में नहीं दोहरा सकता। तो ये भी बेसिकली एक नाखुश रहने का ज़रिया बनती है। तो वो साहब गैर शादीशुदा भी थे। चलें जी ख़त्म करते हैं अपने व्लॉग को, मेरे आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ फरमाएं, आमीन।